जहां एक तरफ पाताल लोक वेब सीरीज काफी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पर बवाल भी हो रहा है और इस पर हिंदू फोबिक होने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इसमें ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिस वजह से इस पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है? दरअसल में एक सीन है पाताल लोक में जो 1992 के आसपास का दिखाया गया है, जिसमें रेलवे हापुड़ रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ लोग राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगा रहे हैं और उन सभी ने भगवा पहने हुआ है। लेकिन कुछ देर में वो एक मुस्लिम टोपी वाले की चिकन खाने के ऊपर हत्या कर देते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं कि तुम गौमांस खा रहे थे। और इस वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो ये नारा लगाते हैं राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही मॉब लिंच करता है बल्कि मुस्लिमों की तरफ से कोई भी मॉब लिंचिंग नहीं होती। तो इस वीडियो में ऐसा दिखाने की साफ साफ कोशिश थी वेब सीरीज के इस एपिसोड में, जिस वजह से इस वेब सीरीज के खिलाफ बवाल हो रहा है। इसके अलावा दिखाया गया है कि कैसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अगर कोई मुस्लिम इंस्पेक्टर बन जाए तो उसके साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं और उसके पीछे कैसी बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और दिल्ली पुलिस में या फिर किसी भी पुलिस महकमे में ऐसा होता ही नहीं है। पुलिस महकमा आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है इन सब में और सब एक दूसरे को बचाने के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज़ दिखाई गई जो दिखाता है कि यकीनन फिल्म इस वेब सीरीज़ के मेकर्स ने कहीं ना कहीं चूक हुई और जो लोग हिंदू फोबिया का लगा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है। खैर, अगर आप अपने दिमाग में पॉलिटिक्स नहीं लिए बैठे, हिंदू फोबिक इस्लामो फोबिक ये सब चीज़ें नहीं लिए बैठे, ये सब चीज़ें एक तरफ रख के लॉजिक को एक तरफ रख के आप वेब सीरीज देखेंगे तो वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है। वेब सीरीज में दिखाया गया है कैसे नेता पुलिस के आला अधिकारी और बिजनेसमैन के बीच में साठगांठ होती है और इन तीनों की साठगांठ से कैसे सिस्टम चलता है और ये तीनों कैसे सिस्टम को हाईजैक करे रखते हैं। इन तीनों में से अगर एक भी एक दूसरे के का साथ ना दे तो कैसे ये तीनों में से तीनों के तीनों ही काफ़ी बेबस हो जाते हैं, और दिखाया है कि कैसे सिस्टम चलता है। कहीं ना कहीं आज के वक्त में सच्चाई भी है, पुलिस के बड़े अधिकारी नेता और बड़े बिजनेसमैन मिलकर ही आज भी सिस्टम चला रहे हैं, और ये वेब सीरीज भी दिखाती है कि सिस्टम कुछ ऐसे चलता है। और कभी कभी पुलिस महकमे के जो छोटे अधिकारी होते हैं वो भी राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।